बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर सीखेंगे। हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर है क। क क और आज हम एक अच्छी सी कहानी भी सुनेंगे, कमला और कपिल की, जो कि भाई बहन हैं और अपने माँ बाप के साथ एक घर में रहते थे चारों जन। एक बार उसकी मम्मी ने कमला से कहा कि कमला, आज तुमको बाजार जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ फूल लाने हैं। और कमला ने पूछा, फूल किस लिए माँ? तो कमला की माँ ने कहा, भगवान को अर्पित करने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ फूलों की ज़रूरत है। और फिर कमला की माँ ने कहा कि कमल लाना भूलना मत, कमल फूल ज़रूर लाना, क से कमल। फिर कमला फूल लाने बाज़ार चली गई और यहाँ पर कपिल, जो उसका भाई था, वो अपनी माँ को किचन में मदद करने लगा क्योंकि उसके घर में मेहमान आने वाले थे। और कपिल की मम्मा ने कपिल से कहा कि कपिल बेटा, वो कप का सेट लेके आना, आज मेहमान आ रहे हैं घर पर, तो हम मेहमानों के लिए नया कप निकालेंगे और उन्हें उसमें चाय देंगे। कपिल गया और उसने शोकेस में से एक नया कप का सेट निकाला, क से कप, क से कप, कप का सेट निकाला और अपनी मम्मा के पास किचन में ले गया। मम्मा ने उस नए कप में उस दिन मेहमानों को चाय दिया। इतने में कमला बाजार से कमल का फूल और बाकी फूल लेकर आ गई। क से कमल, क से कमल, क से कप, क से कप। क्या बच्चों, आप बता सकते हैं क से और क्या होता है? क से तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक चीज जो आपके पास है, हर किसी के पास होती है, क से कान, जिसे आप सुनते हो, क से कान, 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 जिससे आप सुनते हो, आपको कान से सुनाई देता है ना? तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए